वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी फ्राइडे का दिन है, मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, सारा कुछ सामान सेट हो गया है। और सेटिंग किस चीज़ की है, आप ये देखो, ये टैंक बैग सेट हो रहा है, ये सेट हो चुका है, हेलमेट ये पड़ा है, और हाल देखो ये मेरी बीवी के। मेरी यहाँ पैकिंग चल रही है सामान की, और ये लड़की आराम से सो गई है। और अभी इस व्लॉग को कंटिन्यू देखिए, हम बस अभी सो के मैं सुबह सुबह उठ के निकलूंगा, और कहाँ जा रहा हूँ मैं वो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। तो मिलते हैं सुबह, रेस्ट करते हैं और नए दिन से शुरुआत करेंगे। तो भाई बैग सेट हो चुका है, बाइक वगैरह भी साफ़ कर ली है, और अब बस ऊपर चलते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और निकलते हैं। और जाना कहाँ है वो अभी पहले आपसे सबसे मिलता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। टोटो कैसा लग रहा है कि मैं अकेले जा रहा हूँ ट्रिप पे फर्स्ट टाइम? अच्छा तो नहीं लग रहा है मेरे को, अरे लेकिन तेरा मन है तो मैं जा रहा हूँ। जा। तो ये बेसिकली मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है, क्योंकि उससे पहले मैं भी और प्रेरणा भी कभी भी सोलो ट्रिप पे नहीं गए हैं। तो ये जस्ट बाइकिंग का ट्रिप है, तो इसलिए प्रेरणा ने कहा कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ जाने में, तो बस इसी रीज़न की वजह से अभी वो नहीं चल रही है, बट होप सो कि उसे आगे मैं कन्विंस कर लूँ। तो टोटो चलें, आराम से ध्यान रखना, एंजॉय करना, अच्छे से टाइम से खाना पीना है, ठीक है, और शरारत नहीं करनी है घर पे, ऊट पटांग हल्ला गुल्ला नहीं करना है, कहीं पड़ोसी आके बोले कि आपके घर में बंदर आ गया। ओके गोलू गोपाल आराम से चलो। हाँ ओके टोटो, हाँ जी, चलो एंजॉय करो, रेस्ट करो, आराम से जैसे जैसे चलो, पहुँचता हूँ। फास्ट मत रखना। हाँ जी, हाँ जी, जय वाहेगुरु जी। और अभी आपको आगे चल के जब सारे लोग मिल जाएंगे तो मैं आपका सबसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, क्योंकि अभी तो अंधेरा भी है, प्लस अभी सारे लोग इकट्ठे भी नहीं हुए हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं रास्ते में। मैं आपको अपने दोस्तों से भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है सैम भाई, और ये है शुभम भाई, और बाकी अभी कोई एक और भी है, वो साथ में ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद, तो उनसे आपको थोड़ी देर बाद मिलवाएंगे कहीं पर, अगर रास्ते में मिलते हैं या फिर अभी यहीं पर मिलते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे। तो भाई अब चलने का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट डन। ब्रेकफास्ट तो क्या, सिर्फ चाय पी है, और अब निकल पड़े हैं आगे। लाइनर भी डाल लिया है, ऑल सेट। मैं कह रहा हूँ ब्रेक कहाँ पर लेना है? तो ये हमारा ब्रंच आ चुका है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, और अभी ये खाते हैं फिर आगे निकलेंगे। तो अभी का अपडेट ये है कि हम लोग सहारनपुर क्रॉस कर गए हैं, बस अब यहाँ से पहाड़ का अब रास्ता शुरू हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया व्यू। और खाना वाना सबने खा लिया है, सब गियर अप हो रहे हैं और अभी निकलते हैं बस। ये देखो भाई व्यू, और सब यहाँ पर हम रुक गए हैं कुछ चाय मैगी वगैरह के लिए, बट मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ। देखो देखो कौन आया, देखो तो छोटू सा। बेटा तुम कहाँ से नहा के आए हो, तुम गीले गीले क्यों हो भाई, हैं तुम गीले गीले क्यों हो? वो नल के नीचे चला। अच्छा नल के नीचे गया था ये।
चलो जी। थोड़ा सा मौज मस्ती करते हुए चलेंगे, अब थोड़ा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं और एंजॉय करते हैं। बेहतरीन मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मस्त खाली खाली रोड है, कोई फालतू ट्रैफिक नहीं है और बाइक चलाने का असली सुकून है यहाँ पहाड़ों पे। तो व्यू देखो गाइस, पूरा जबरदस्त। बिल्कुल पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और एकदम चोटी आ गई है अब, और जो हमारा रिजॉर्ट है बिल्कुल वो लास्ट है, उसके बाद आगे पहाड़ पे कुछ भी नहीं है। और जो कुछ 5 किलोमीटर की चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा खड़ी है, तो देखते हैं, वो भी एक्सपीरियंस करते हैं। और वो खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, लेट्स सी। भाई एकदम से इतना ठंडा मौसम हो गया ना, छाया आते ही रात को तो पक्का बढ़िया वाली ठंड होने वाली है मुझे लग रहा है। जैसे जैसे दिन ढलता रहेगा ठंड बहुत बढ़िया होती जाएगी। यहाँ तो पूरी फेंसिंग हो रखी है, आई थिंक ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया लगता है मुझे। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो यहाँ बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। भाई साहब एक बार व्यू चेक करो, और यहाँ पर जो फ्रेशनेस फील हो रही है ना वो नाक में अलग ही लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कितने टाइम बाद इतनी इतनी फ्रेश एयर अंदर जा रही है। और मैं एक बार चक्राता पहुंच जाऊं, आपको एक बहुत बढ़िया सा चीज बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी खुद नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा, तो अभी आपको पहुंच के बताता हूं। सो फाइनली वी आर एट चक्राता। चक्राता में आपका स्वागत है। अपडेट अभी का ये है कि ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो हमने विद इन 300 किलोमीटर की राइड प्लान करी थी, और अकॉर्डिंग टू मैप ये मुझे 300 किलोमीटर से ऊपर दिखा रहा था, बट बाय चांस 398.9 किलोमीटर ये दिखा रहा है। तो मतलब ये मैंने खुद अभी नोटिस करा है कि मैप के अकॉर्डिंग ये था अराउंड 315-320 किलोमीटर के आसपास, और जबकि ये मीटर मैंने तब रीसेट किया था जब फ्यूल डलवाया था, और फ्यूल डलवाने के बाद 1.5 किलोमीटर का बफर भी था जो कि मैं घर पे भी आया था अपने, तो उसको मिला के है ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है। सो फाइनली वी आर इन चक्राता मार्केट, और यहाँ पर हम खाने आए हैं बहुत फेमस चांदना मोमोज। तो हमने सोचा कि चलो
पहले खा ही लेते हैं उसके बाद चलेंगे अपने रूम पे। सो लेट्स गो एंड एंजॉय। सब ये आ गए हमारे चिकन मोमोज और बहुत बेहतरीन टेस्ट है। शुभम भाई वसूल हो गया, इसकी हाइप थी। चलो भाई थोड़ा सा तो पेट शांत हो गया। अब निकलते हैं अपने होटल की तरफ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बहुत देर से बोल रहे हैं होटल की तरफ निकलते हैं, बट यार जब आए ही हैं तो थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लें, क्योंकि ऊपर जिस हाइट पे हमारा रिजॉर्ट है वहां से नीचे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो उबड़ खाबड़ रास्ता है और बहुत खड़ी चढ़ाई भी है, तो बार बार तो नीचे नहीं आया जाएगा। तो इससे बेटर है कि आज सीधा ऊपर जाके आराम से रेस्ट करेंगे और उसके बाद कुछ और काम करेंगे और कल फिर से नीचे आके अपना खा पी के फिर चल लेंगे ऊपर। तो इसलिए मोस्टली लोगों ने उधर ही, जहां जिस चौक से अभी हम निकले हैं मार्केट के, वहां पर चौक था, तो मेजरली लोग वहीं पर ही अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। फिर यहां से जो भी रिजॉर्ट या होटल में जाते हैं वहां से उनकी अपनी छोटी गाड़ी आती है ऑल्टो टाइप्स, तो वो फिर उनको ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत नैरो रोड है, ऊपर से एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो काफी रिस्क रहता है गाड़ी फंसने का। और यहां से बढ़िया और मुश्किल ट्रेल शुरू हो गई है। हमारा रिजॉर्ट और ये यहाँ का व्यू है, बिल्कुल एकदम टॉप पे इस पहाड़ के ऊपर और कुछ भी नहीं है, और ये हमारी बाइक्स लगी हुई हैं। और बस अब हम चलते हैं अंदर, आराम से रेस्ट वेस्ट करेंगे, पहुँच गए हैं, थक गए हैं काफ़ी, मतलब मेन थकावट जो ये डाल रखा है ना ऊपर, इतना भारी है, 5 किलो के आसपास का वजन है, मेन तो इसने थका दिया। बस अब चलते हैं अंदर, रेस्ट करते हैं, खाते पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी, जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया है। एक हट अपनी ये है, एक हट वो है, तो आपको एक रूम टूर भी दे देता हूँ। तो ये है हमारा प्यारा सा, बढ़िया सा, कंफर्टेबल, कोजी सा रूम, ये एक डबल बेड। सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगी, मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले ये अपना वार्डरोब एरिया हो गया और ये अपना मिरर, ये काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम, और ये है जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, व्यू के साथ आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब करो। और एक ये है बालकनी प्रॉपर व्यू के साथ, ये देखो। तो यहाँ पर भाई लोगों ने चाय शुरू कर दी है और एंजॉय कर रहे हैं, और ये व्यू देखो, नीचे से आए हम, मतलब कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस व्यू को। देखो भाई ये वो पूरी सड़क है जहाँ से हम लोग आए हैं पूरी वहाँ तक, और आपने देखा तो होगा ही कि कितनी बढ़िया सड़क थी और कितना मज़ा आया यहाँ तक आने में। डर भी था बट बहुत एंजॉय किया।
डर भी था बट बहुत एंजॉय किया है। मिनी जेल्स कार। और सर कह रहे हैं कि बहुत आसान था। भैया को तो बहुत मजा आया, कह रहे ये तो कुछ नहीं है, तो गली के गड्ढे हैं, हम तो रॉयल से सड़कों पे चलते हैं। लोगो ये देखो जो यहाँ की स्पेशलिटी है, सनराइज और सनसेट। ये सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मैंने नहीं देखा कभी आज तक इतना ब्यूटीफुल सनसेट, सीरियसली। और ये इस टाइम पे जैसे ऐसे जो दिन ढलता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, बट आसमान थोड़ा सा साफ है, ज़्यादा साफ नहीं है। और ये है आज की ताज़ा मौसम की खबर। भाई लोग ये देखो यहाँ की फील, मतलब लाइट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम है बट एम्बियंस देखो आप। इतना मज़ा आ रहा है ना कि इतना रिलैक्स मैंने कुछ बहुत लिमिटेड जगह पे ही मैंने फील किया होगा। तो भाई ये यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है सबका, सब एकदम बढ़िया बढ़िया। वेलकम टू चक्राता फाइनली। तो भाई ये खाना शुरू हो गया है और यहाँ पर लेग पीस पे कब्जा कर लिया शुभम भाई ने। मतलब मैं क्या खाऊंगा ये बताओ। आपके लिए छोड़ा था मैंने बहुत सारे पीसेस। अरे भाई चलो बढ़िया। तो भाई साहब खाना पीना सब खत्म हो गया है यहाँ पर और अब गुलाब जामुन की बारी है। तो सर अभी गुलाब जामुन ला रहे हैं और अभी सर का भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे, कल करवाएंगे पूरा, मतलब उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा खासा डिटेल पूरा बताएंगे क्योंकि सर छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो सर ने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है तो इनको हम कल इंट्रोड्यूस करवाएंगे सुबह।